हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना किसके 82 के। ठीक है, ये यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 82 लिखेंगे, सही है। उसके बाद अब आप देखेंगे कि हमारे पास 82 है इवन नंबर। इसका क्या मतलब है, ये 2 के टेबल्स में आता है, ठीक है। और अगर आपने 82 को भी ना देखें, लास्ट 82 का लास्ट डिजिट चेक कर लें, डिजिट क्या है, 2 है। इसका मतलब है हम लोग यहाँ पे 2 फैक्टर ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 के टेबल में 8 का आंसर आ जाएगा 4000 और 2 के टेबल में 2 का आंसर आ जाएगा 1000, ठीक है। अब आप देखें, ये हमारे पास है 41। यहाँ पे हम दोबारा तो कभी भी नहीं 2 ले सकते, क्योंकि अगर आप 41 का लास्ट डिजिट ही बस चेक कर लें, वो 1 है, तो आप यहाँ पर 2 नहीं ले सकते। 2 के टेबल में तो 1 आता ही नहीं है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि हमारे पास 41 अगर हम देखें तो ये हमारे पास 3 में भी नहीं आता। अगर हम 3 करते हैं, यहाँ पे फैक्टर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 अगर हो, 1 इसको भी दे दे तो ये 11 बन जाए, तब भी 3 के टेबल में 11 नहीं आएगा। इसका क्या मतलब है, 41 एक प्राइम नंबर है जो कि किसी और के टेबल में नहीं आता। प्राइम नंबर कैसे है, ये सिर्फ 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में तो 41 में ही आता है। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, 41 ही ले लेंगे। और 41 की तीसरा 41 होता है 1000, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इसके लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके फाइंड आउट करें, 82 के, तो 82 और इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 × 41। तो यहाँ पे लिखे 2 × 41। तो इस तरह हम लोगों ने क्या कर लिया, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए 82 के, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।